नमस्कार टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द प्रचंड सीरीज माई सेल्फ सलोनी सिंह यू आर नीट यूजी केमिस्ट्री एडुकेटर की हाल चाल बचा लोग कैसे हैं आप सब सो यस माय डियर स्टूडेंट्स एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है प्रचंड सीरीज के अंदर और ये सीरीज स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपके लिए लेकर आए हैं तो जो भी बच्चे इस सेशन से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहाँ से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाकी अपलोडेड लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मेक श्योर करिए कि आप इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलरेडी कवर हो गया है जिन्होंने नहीं देखा उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखकर आइए हर एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से फिनिश किया गया है एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात फिनिश करने के बाद एक अच्छी सी प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए जिसमें से आप ढेर सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें अगर इतना करते हैं और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने वाला है ये लिख कर ले लीजिए ठीक है बच्चों अब शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है कि अर्जुन की तरह हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले हम केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहते हैं ऑन क्वालिटी कॉन्टेंट इसी प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आपको फ्री में अवेलेबल कराएं लेकिन बच्चों आप में से ही कई सारे बच्चों ने यह प्रॉब्लम लेकर अप्रोच किया है बाबा एसएसपी को कि सर हमें सेशंस में मजा आ रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन एक दिक्कत है हम अपने डाउट सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं हमें नहीं पता हम मॉक टेस्ट कहाँ पे दे हम अपने क्वेश्चन के अंदर स्टेप सही यूज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है क्वेश्चंस हमें इसे शॉर्ट करना है हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो क्वेश्चंस के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए इस तरह की रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है और हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं तो बच्चों आपके लिए ही बाबा एसएसपी और मैंने मिलके एक सक्सेस मंत्रा बॉक्स लॉन्च किया है अब क्या खास बात है सक्सेस मंत्रा बॉक्स की माय डियर स्टूडेंट्स तो इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स के अंदर आपको मंडे टू फ्राइडे सेशंस मिलने वाले हैं उसके अलावा हर चैप्टर की डी मिलने वाली है जो आपको लगातार सॉल्व करनी है और इन डी का डाउट सॉल्विंग सेशन हर सप्ताह के खत्म होते ही कंडक्ट किया जाता है जहां पर मैं और बाबा एसएसपी खुद आपके डाउट बैठ के आपके साथ सॉल्व करते हैं आपको वो पर्सनल अटेंशन दी जाती है उसके अलावा बच्चों मॉक टेस्ट होता है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी इसके अंदर प्लान है आपके लिए और वीकली मॉक टेस्ट भी होता है जैसे जैसे जो जो चैप्टर चैप्टर्स फिनिश होते जाते हैं द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स को केटर किया जाता है जो जेनुअनली इंटरेस्टेड हैं अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स और स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं हम सिर्फ वही बच्चे लेकर यहाँ पर बैठे हैं और उन्हीं के पर्सनल लेवल पे ये सेशंस कंडक्ट करके डाउट क्लियर करते हैं ठीक है इसके अलावा इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स की बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारे सेशंस लाइव कंडक्ट किए जाते हैं विथ विच यू कैन सी हियर और यही टीचर्स आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करने वाले हैं डीपीपी डिस्कशन करने वाले हैं आपके कॉन्सेप्ट की हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी देने वाले हैं तो भीड़ में ना रहकर फील के साथ पढ़िए यही इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स का ध्येय है और बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 799 रुपीज में पूरे साल के लिए इलेवेंथ और ट्वेल्थ पूरे नीट सिलेबस के लिए अलोंग विथ डीपीपी डिस्कशन अलोंग विथ मॉक टेस्ट सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं तो जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको इस तरह के सेशंस की सख्त जरूरत है उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है वो सिर्फ थ्योरी 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 पढ़े जा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों अभी डाउनलोड कर ली कर लीजिए क्लास 24 फोर ऐप इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अंदर जाते ही क्लास 24 फोर ऐप पे जाते ही सक्सेस मंत्रा बॉक्स पे जाकर आज ही एनरोल कर लीजिए लिमिटेड सीट्स है बच्चों जितना जल्दी करोगे उतना ही फायदा होगा सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फोर टू फाइव सेशंस आर ऑलरेडी कंडक्टेड एंड वी डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट दिस स्पेशल सीरीज एंड दिस स्पेशल मंत्रा बॉक्स एंड रोल नाउ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ठीक है बच्चों चलिए तो ये हो गया आपके फायदे की बात अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं तो बच्चों जब भी आप पीरियॉर्डिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कंटेंट की समरी पहले पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो हम कौन सा कंटेंट करने वाले हैं कवर वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियॉर्डिक टेबल उसके बाद हम कवर करने वाले हैं बच्चों Mandeleev का पीरियोडिक टेबल ठीक है हमारी कोशिश ये रहेगी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्री आइडिया आपको दे रहे बाकी तीन टॉपिक्स वो बाकी तीन टॉपिक्स आपके नेक्स्ट सेशन में कवर होंगे तो चलिए बच्चों ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट स्टार्ट टूडेज सेशन वी गो So, बच्चों सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये सारी चीजें शुरू की थी उनका नाम था लेवेजियर लेवेजियर जस्ट अ उनका नाम था बच्चों लेवेजियर लेवेजियर ने दिया लेवेजियर क्लासिफिकेशन अब लेवेजियर क्लासिफिकेशन की खास बात क्या थी लेवेजियर क्लासिफिकेशन में माय डियर स्टूडेंट्स इन्होंने एलिमेंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखिए पहले तो यह समझना जरूरी है कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं अभी तक अगर ध्यान से देखें तो 118 सौ अट्ठारह नॉन एलिमेंट्स हैं इन 118 सौ अट्ठारह एलिमेंट्स को एक एक को पढ़ना एक एक को स्टडी करना उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसीलिए हमने क्या शुरू किया इन्हें क्लासिफाई करना शुरू किया ग्रुप्स के अंदर डालना शुरू किया ताकि हम सिर्फ अगर उस ग्रुप की प्रॉपर्टी को पढ़ लें तो हमारे उसके अंदर उस ग्रुप में फॉल करने वाले आठ से दस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कवर हो जाए और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कई सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन को शुरू किया तो उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट थे आपके लेवेजियर है ना लेवेजियर ने क्या कहा लेवेजियर ने यह कहा कि एलिमेंट्स को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स वो होते हैं जो रेडीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं नॉन मेटल्स वो होते हैं जो रेडीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्होंने एग्जांपल दिया सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन लूज करके एन ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है और वैसे ही फ्लोरिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एफ़ माइनस में कन्वर्ट होता है लेकिन क्या आपको लगता है ये इतना सिग्निफिकेंट मेथड है डेफिनेटली नो no. इस मेथड को फर्दर यूज इसलिए नहीं किया गया इसके कुछ मेजर लिमिटेशंस थी आज आइए इस इस मेथड के लिमिटेशंस देखते हैं ऑल दी एलिमेंट्स ऑल दी एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेन्ज्ड बेस्ड ऑन दैट मैथड कुड नॉट बी अरेन्ज बाई दैट मैथड वाई क्योंकि सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स बेटा जरूरी नहीं है कि आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की ही प्रॉपर्टी शो करें कुड नॉट बी अरेन्ज बाय दैट मेथड द रीजन बींग ऑल एलिमेंट्स आर नॉट एट ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं होते हैं ठीक है सम एलिमेंट्स सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल ठीक है तो ये बात हो गई लेवेजियर की उन्होंने कोशिश किया कि मैं मेटल नॉन मेटल के बेसिस पे क्लासिफाई करूं बट जितने भी नोन एलिमेंट्स थे सबको और मेट met, आप मेटल या नॉन मेटल नहीं बना सकते आपको पता है मेटलॉइड भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल से दोनों से ही मैच होती है तो ये बहुत ही मेजर ड्रॉबैक था बट शुरू इन्होंने ही किया था उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए बच्चों जिनका नाम था प्राउस्ट प्राउस्ट हाइपोथेसिस प्राउस्ट हाइपोथेसिस में प्राउस्ट ने क्या बताया बताया चलिए ध्यान से समझते हैं इन्होंने कहा ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन इनके कहने का मतलब ये था कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बने हैं अब सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से कैसे बने हो सकते हैं तो अगर मैं किसी भी एक्स एलिमेंट की बात करूं तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एन टाइम्स द अटोमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन ठीक है इनके हिसाब से प्राउस्ट के हिसाब से जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनका जो अटोमिक वेट होता है वो हाइड्रोजन के अटोमिक वेट से एन टाइम्स ज़्यादा होता है ठीक है लेकिन क्या ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका बन सकता है बच्चों डेफिनेटली नहीं ये तो वो एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि भाई जो अटोमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन है उसके कंपेरिजन में कोई दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ही डराइव हुए हैं ठीक है तो इसकी सबसे मेजर लिमिटेशन ही यही थी कि हर एलिमेंट कैन नॉट बी द मल्टीपल ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगले जो साइंटिस्ट थे उन्हें आप अच्छे से जानते हैं और बचपन से पढ़ रहे हैं दैट इज योर डोबेरेनियर। तो डोबेरेनियर के ट्राइड में क्या कॉन्सेप्ट था ध्यान से सुनिएगा डोबेरेनियर की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ही हैज अरेज

तीन ट्राइड्स बनाए तीन ट्राइड्स में तीन ट्राइड्स बनाए हर एक ट्राइड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होते हैं हर एक ट्राइड में बच्चों तीन एलिमेंट होते हैं तो तीन ट्राइड बनाए यानी कि नौ एलिमेंट्स को इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया खास बात क्या थी द बेसिक फीचर क्या था उनके इस मॉडल का उनका कहना ये था कि जब आप अटोमिक वेट ट्राइड के फर्स्ट एलिमेंट का और अटोमिक वेट ट्रायड के थर्ड एलिमेंट का उसका अगर आप एवरेज लेते हो तो यू गेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू ऑफ द अटोमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन द ट्रायड है ना पहले एलिमेंट का अगर आप अटोमिक वेट लो तो सेवन है लिथियम का पोटेशियम का थर्टी नाइन है तो सीधी सी बात है कि अगर आप सेवन प्लस थर्टी नाइन डिवाइड बाई टू करते हो यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अटोमिक वेट का एवरेज लेते हो तो दैट कम्स टू बी इक्वल टू द अटोमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट एंड दैट इज ओके डिस्टर्बेंस हुई आई थिंक आई शुड जस्ट अ सेकेंड बच्चों ओके सो अटोमिक वेट कितना आया बच्चों ट्वेंटी थ्री सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जाम्पल्स अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कैल्शियम को और बेरियम को तो कैल्शियम का अटोमिक नंबर है फोर्टी बेरियम का है वन थर्टी सेवन दोनों का एवरेज लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली एटी एट आता है इन द सेम वे क्लोरीन एंड आयोडीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एंड आयोडीन इज वन ट्वेंटी सेवन दोनों का एवरेज लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू एटी आती है तो बच्चों यहां से ये समझ में आया कि उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया था ट्राइड्स बनाए थे अब आप बोलोगे कि ट्राइड्स किस बेसिस पे बनाए थे मैम इनको कैसे पता चला यही तीनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप के अंदर रखने हैं तो बेटा उनका ना वैलेंसी सेम हो रहा था जैसे मैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करूं तो दे हैव अ कॉमन वैलेंसी ऑफ माइनस वन ठीक है उसके अलावा उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही थी उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी मैच कर रहे थे तो ये सारी चीजें थी जहाँ से उन्होंने ये सोचा कि यार ये तीनों को तो साथ में रखना चाहिए या ये तीनों को तो साथ में रखना चाहिए लेकिन इस लॉ का सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या था सबसे मेजर ड्रॉबैक था कि इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ नाइन एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे बच्चों ओनली नाइन एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे तो सबसे मेजर ड्रॉबैक था ऑल एलिमेंट्स यस ध्यान दीजिए ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज, कुड नॉट बी अरेंज्ड बाय दिस मेथड ऑल दी नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेन्ज बाय दिस मैथड और यही सबसे मेजर ड्रॉबैक था डोबेरेनियर ट्राइड का तो ये बात हो गई डोबेरेनियर की माईडियर स्टूडेंट्स डोबेरेनियर के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए ठीक है तो हम मूव कर रहे हैं एक नई थीसिस पे जो न्यूलैंड ने दी थी और न्यूलैंड ने दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ही ऑल्सो अरेज he also arranged the element in the order of increasing atomic number. Increasing atomic number ke basis for elements ko arrange karna shuru kya. Then what he found that the properties the properties of every 8th element वॉज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट वॉज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स म्यूजिकल नोट्स जैसे म्यूजिकल नोट्स के अंदर यहाँ पर देखिए आपके पास म्यूजिकल नोट्स हैं सा रे गा मा पा दा, नी। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ये आपका सेवेंथ नोट है आठवां नोट कौन सा होगा बच्चों फिर से आठवां आप साग आओगे ठीक है यानी कि हर एट्थ नोट इज रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट नोट इन द सिमिलर वे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन ऑर्डर ऑफ देर इनक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो जो प्रॉपर्टीज आठवें एलिमेंट की थी उस आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सेम आ रही थी सिमिलर टू द म्यूजिकल नोट्स और इसीलिए इसे क्या कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टिव और इस तरीके से उन्होंने कई सारे ग्रुप्स बनाए यू कैन सी यारे गामा पाद नी बट सबसे मेजर ड्रॉबैक इस लॉ का क्या था इस तरीके से जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज फाउंड टू बी सिमिलर टू द एथ एलिमेंट या एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर है और जो सिमिलर होते हैं वो सेम ग्रुप में आते हैं इस तरीके से अगर वो आगे बढ़ते तो वो सिर्फ कैल्शियम तक इस लॉ को फॉलो कर पा रहे थे दिस मॉडल ऑफ अरेंजमेंट

ंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द एटींथ एलिमेंट एथ एलिमेंट से सिमिलर नहीं था एटींथ एलिमेंट से सिमिलर था यानी बेसिकली कैल्शियम के बाद उनका खुद का लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है उनका खुद का लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा है और यही उनका सबसे मेजर ड्रॉबैक था सो दिस मॉडल ऑफ अरेंजमेंट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम यह सबसे मेजर ड्रॉबैक था आफ्टर दैट आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एटींथ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू फर्स्ट ठीक है तो उनका खुद का लॉ ही यहां पर फॉलो नहीं हो पा रहा है बच्चों एंड मोर ओवर जैसे ही आप हेवियर एलिमेंट पे शिफ्ट होते हो ये लॉ ड्रॉबैक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एलिमेंट में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है समझ रहे हो ओके okay? और इस तरीके से वो बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए 118 एलिमेंट्स थे बच्चों उसके अलावा कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक ही ब्लॉक के अंदर प्लेस कर दिया था जैसे यहाँ पर देख सकते हो तो ये भी एक ड्रॉबैक था और इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद के बाद जाहिर सी बात है हमें एक नए लॉ की जरूरत थी एंड वी मूव्ड टू न्यू लॉ दैट वाज गिवन बाय लोथर मेयर एंड दैट इज थ्रू द लोथर मेयर कर्व तो बेटा लोथर मेयर कौन थे और इन्होंने इस कर्व से बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया पहला लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमें लोथर मेयर कर्व के थ्रू मिला और ये कर्व एन में नहीं दिया हुआ इसीलिए कई बच्चों को नहीं पता चलता है बहुत ही सिंपल और साधारण सा है बच्चों तो सबसे पहला मुद्दा कि उन्होंने ये ग्राफ अटोमिक मास और एलिमेंट्स के अटोमिक वॉल्यूम के वर्सेस ग्राफ किया है या प्लॉट किया है अग्राफ अर अटोमिक मास ऑफ एलिमेंट वॉज प्लॉटेड अगेंस्ट प्लॉटेड अगेंस्ट अटोमिक वॉल्यूम करेक्ट यह सबसे मेजर पॉइंट था ठीक है ठीक है बेटा तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से विजुअलाइज करो तो कई सारी ऑब्जर्वेशन आपकी खुद ब खुद निकल कर आएंगी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन कि जो भी एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो ग्राफ में कहीं ना कहीं सिमिलर पोजीशन पर आती हैं तो हम एक यहां पर पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइज सिमिलर पोजिशन ऑक्युपाइज सिमिलर पोजिशन इन द ग्राफ जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो ग्राफ में कही कहीं ना कहीं सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं अब इस चीज़ को और ध्यान से समझते हैं तो चलिए मैं अल्कली मेटल्स की बात करती हूँ तो ये हो गया सोडियम ये हो गया पोटेशियम ये हो गया बच्चों रुबीडियम तो जितने भी अल्कली मेटल्स है वो हमेशा आपको ग्राफ के पीक पर दिखाई देंगे क्या देंगे बच्चों ग्राफ के पीक पर दिखाई देंगे ऑल आल्कली मेटल्स ऑल आल्ली मेटल्स आर एट द पीक ऑफ ग्राफ करेक्ट ये पॉइंट तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया इसी तरीके से अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखने जा रही हूं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाइज ऑक्यूपाइज डिसेंडिंग पोजिशन डिसेंडिंग पोजिशन That is not visible. Descending position in the graph. कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आ जाइए हाईलाइटर से दिखाते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर ठीक है तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ग्राफ ऊपर जाता है तो ये पीक पोजीशन पे अल्कली मेटल्स होती हैं लेकिन व्हेन इट इज़ डिसेंडिंग डाउन व्हेन द ग्राफ इज डिसेंडिंग डाउन तो डिसेंडिंग डाउन वाले पोजीशन पे आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिलते हैं क्या मिलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिलते हैं और यहाँ पर मिलते हैं आपको अल्कली मेटल्स ठीक है यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको अल्कली मेटल्स वैसे ही अगर मैं बात करूँ मेटेलॉइड्स की सो मेटेलॉइड्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द ग्राफ ये वाला पार्ट फिर से ग्राफ जब ऊपर उठता है तो जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो आपको बॉटम पार्ट पे मिलेंगे मेटलॉइड्स ऑक्यूपाई मेटलॉइड्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ठीक है मेटेलॉइड्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द ग्राफ इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स को एक ट्रेंड में ग्राफ के ऊपर स्टडी करना शुरू किया और जब इसी तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को इस तरीके से एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस अरेंज किया गया तो एक रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही थी ठीक है एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी तो प्रॉब्लम क्या था ये तो बहुत ही अच्छा लॉ हो गया पर बच्चों क्या आपको लगता है कि ये ग्राफिकल मेथड एक सही तरीका है 118 एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखने का नो नॉट एट ऑल हम इतना भी ग्राफ बहुत अच्छे से ध्यान में नहीं रख सकते हैं इसे पिक्चराइज़ करके इमेजिन करके हमने क्लासिफिकेशन किया क्यों बेसिकली टू मेक द स्टडी ईजियर बट लोथर मेयर कर्व इज नॉट सर्विंग दैट पर्पज़ टू मेक द स्टडी ईजियर इट इज़ मेकिंग द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड और इसीलिए हमें एक नए लॉ पर शिफ्ट होने की जरूरत थी अब आ जाते हैं बच्चों मैंडलीव पेरीओडिक टेबल तो मैंडलीव को फादर ऑफ पेरीओरिक टेबल भी कहा जाता है और इन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का और उस वक्त पता है कितने नॉन एलिमेंट्स थे बच्चों उस वक्त 63 थ्री नोन एलिमेंट्स थे और उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को अपने पेयोडिक टेबल में जगह दे दी थी इनफैक्ट जो अनडिसकवर्ड एलिमेंट थे उनको भी जगह दे दी थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है तो मेंडलीफ ने पहले अपना मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास उनके अटोमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है कहने का मतलब कि जब आप एलिमेंट्स को जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर इंक्रीजिंग अटोमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते हो जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग अटोमिक मास के बेसिस पे अरेंज करते हो बच्चों तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिकली रिपीट होती हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिकली रिपीट होती हैं ठीक है इसीलिए उन्होंने बोला है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक मास यानी कि अगर आप इंक्रीजिंग अटोमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती हैं। अब दो इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंफ ने यूज किया था अपने पीरियोडिक टेबल में ही हैज अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास अटोमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ही कंसीडर्ड देयर ही कंसीडर्ड देयर सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है ये दो मुद्दों को ध्यान में रख के उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास एंड सिमिलारिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज अब इन दोनों मुद्दों को हम किस तरीके से इस टेबल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं यू कैन सी द एंटायर मैंडलीफ पेरीयोडिक टेबल अब आ जाइए कुछ खास बातें इनके बारे में जॉट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर से इस पीरियडिक टेबल को विजुअलाइज करेंगे बच्चों तो जो मेन्डलीव का पीरियडिक टेबल था एम पी टेबल मेंडिलीव के पीरियडिक टेबल के अंदर बच्चों सेवन हॉरिजॉन्टल रोज थे सेवन हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसे हमने क्या कहा पीरियड्स और इसके अंदर एट वर्टिकल कॉलम्स थे एट वर्टिकल कॉलम्स थे जिसे हमने कह दिया ग्रुप्स ठीक है सेवन हॉरिजॉन्टल रोड्स रोज कॉल्ड पीरियड्स एट वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स ठीक है उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो हर एक ग्रुप को अगर आप नोटिस करेंगे तो हर एक ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जैसे ग्रुप वन है टू है थ्री है फोर है ग्रुप वन टू सेवन को सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है सब ग्रुप ए के अंदर एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और सब ग्रुप बी के अंदर मेजरली आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट पीरियॉडिक टेबल से अगर आप मैच करते हो तो आप समझ पाओगे जो ग्रुप एट है आपका उस ग्रुप एट के अंदर आर एलिमेंट्स एलिमेंट्स प्लेस्ड प्लेस्ड टुगेदर टुगेदर यानी कि अगर आप ग्रुप एट को ध्यान से देखोगे तो तीन एलिमेंट्स को साथ में प्लेस किया गया है तो बेसिकली जो आठवां ग्रुप्स है आठवां ग्रुप है उसके अंदर बच्चों तीन ऐसे रोज हैं और आ, हर एक के अंदर तीन एलिमेंट्स अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली है प्लीज़ नोटिस करिएगा यहाँ पर आपको एकदम क्लैरिटी के साथ चीज़ें दिखाई देंगी पे अटेंशन तो ये आपका ग्रुप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट करेक्ट ये पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप वन फर्दर ए एंड बी सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है ए के अंदर आप देखिए हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीशियम ये एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लेकिन ग्रुप पी के अंदर ग्रुप बी के अंदर कॉपर ए जी एंड ए यू ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली ग्रुप टू के अंदर जो ए सब ग्रुप है यहाँ पर बी थोड़ा इधर लिख देते हैं ये बी सब ग्रुप है यहाँ पर लिखा है तो ए सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है बेरेलीम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम ये एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं और बी के अंदर जो है वो डी ब्लॉक को जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी ये आपके डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं इस तरीके से फर्स्ट से लेकर सेवन्थ तक अरेंजमेंट ऐसी ही है जहां पर एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक तरफ है एक ग्रुप में ए एंड बी ग्रुप के अंदर आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं फिर मैंने बोला जो एट्थ ग्रुप है आपका उसके अंदर देर आर ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स तो यहां पर तीन एलिमेंट्स को साथ में प्लेस किया है यानी कि आयरन कोबाल्ट एंड वैसे ही रुथेनियम ये आर यू आर एच एन पी डी को साथ में प्लेस किया है वैसे ही नीचे भी तीन एलिमेंट्स को साथ में प्लेस किया है यानी एथ ग्रुप के अंदर ऑल टुगेदर आपको नौ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से ठीक है तो बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है उसके अलावा मैंने बोला था कि ही कंसीडर्ड सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज एज वन ऑफ द फैक्टर इन अरेंजिंग द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग अटोमिक मास तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आप ये देख सकते हो कि ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला यूज किया गया है क्या यूज किया गया है बच्चों ऑक्साइड और हाइड्राइड का फार्मूला यूज किया गया है तो जितने भी एलिमेंट हैं उनका जनरल ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला ग्रुप वन वालों का सेम होगा वैसे ही ग्रुप टू वालों का सेम होगा ग्रुप थ्री वालों का सेम होगा मैं ग्रुप वन के लिए आपको एक बार प्रूफ करके दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए अगर मैं ग्रुप वन की बात करूँ यहाँ पर एलिमेंट है लीथियम एंड सोडियम लीथियम सोडियम एंड पोटेशियम अगर मैं इन्हें ऑक्सीजन से ट्रीट करती हूँ बच्चों तो ये क्या बनाएंगे? ठीक है इनकी वैलेंसी के हिसाब से जाए तो प्लस वन और ऑक्साइड का माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई ये एल आई टू ओ टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं दूसरे टाइप भी बनाते हैं बट सबसे कॉमन ये वाला ऑक्साइड है यानी कि आर टू ओ टाइप का ये ऑक्साइड बनाते हैं इसी तरीके से अगर इनके हाइड्राइड की बात की जाए तो लिथियम हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्रोजन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा एल आई अब लिथियम की जो बैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों प्लस वन हाइड्राइड की माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई एल आई एच ये बनाएगा एनएच nah, और ये बनाएगा के एच ऑल टुगेदर हम बोल सकते हैं आर एच टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करता है ये और क्योंकि ये आर एच टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करता है माय डियर स्टूडेंट्स तो ये सारे एलिमेंट्स डिजर्व करते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है तो दे नीड टू बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं मैं इस हिस्से को इरेज कर देती हूँ बच्चों यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द एलिमेंट्स

ठीक है अब ये इतना अच्छा पीरियोडिक टेबल था फिर भी इसके अंदर ड्रॉबैक आ गया ऐसा क्यों हुआ बच्चों चलिए बताते हैं वैसे इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल के काफी सारे फायदे भी थे काफी सारे ड्रॉबैक्स भी थे तो हम सारी चीजों को एक एक करके यहाँ पर जॉट डाउन करते हैं पहले जाहिर सी बात हम मैरिट्स की बात करेंगे तो मैरिट्स में ही हैज डिस्कवर्ड द पोजिशन ऑफ द पोजिशन और बी कैन से ही हैज लेफ्ट सम गैप इन हिस्स पीरियॉडिक टेबल ही हैज लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियडिक टेबल पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिसकवर्ड एलिमेंट्स फॉर अनडिसकवर्ड एलिमेंट्स अब ये कैसे किया उन्होंने जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों तो आपको पता है बोरोन एल्युमिनियम ठीक है ग्रुप थर्टीन में जाते हो तो बोरोन एल्युमिनियम उसके बाद का जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो मिसिंग था बट वहाँ पर कोई एलिमेंट आने वाला था फ्यूचर में तो उस स्पेस को उन्होंने खाली छोड़ दिया और उसको नाम दे दिया एक का एल्यूमिनियम एक का एल्यूमिनियम नाम दिया इस एम्प्टी स्पेस को जो लेटर डिस्कवर हुआ गेलीम में किस में डिस्कवर हुआ बच्चों गेलियम में तो ऐसे ही कई सारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल में जिसे लेटर आ, एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया बट जब तक उन्होंने खाली जगह रखी थी तब तक वहां पे एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन करके नाम दिए गए थे तो ही हैज डिस्कवर्ड सम ही हैज लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर undiscovered एलिमेंट्स करेक्ट नेक्स्ट When he started arranging the elements in order of their increasing atomic mass when he started arranging the element arranging the elements in increasing atomic mass कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास गलत दिए हुए थे उसे उन्होंने करेक्ट किया क्योंकि जब वो अरेंज कर रहे थे तो अब वो सारी चीजें वेरीफाई करके उन एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे थे सो व्हेन ही स्टार्टेड अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही हैज करेक्टेड अटोमिक मास ऑफ मैनी एलिमेंट्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल बेरेलियम बेरेलियम का पहले कहा जाता था 13.5 पॉइंट बट उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई बेरेलियम का अटोमिक मास यहाँ पर लिख देती हूँ बेरेलियम का ही न्यू दैट 13.5 बताया गया था बट एक्चुअली बेरेलीम का अटोमिक मास 9 होता है तो इस तरीके से इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के अटोमिक मास या अटोमिक वेट बोल लो उसको भी करेक्ट किया तो दीज वर सम मैरिट्स ऑफ हिस पेरियोडिक टेबल अब डीमेरिट्स क्या थे देखो हर पेरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने अच्छे पीरियोडिक टेबल के बाद भी मैंफ के कुछ डीमेरिट्स है जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे मूव ऑन करना पड़ा तो सबसे पहला और मेजर ड्रॉबैक था डियर स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो आज भी फिक्स नहीं है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मैच होती है हैलोजन से भी मैच होती है तो उसे किधर रखना है ये समझ ही नहीं आ रहा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट सर्टेन नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स वो भी सर्टेन नहीं था अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो क्या होते हैं आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम अटोमिक नंबर बट दे हैव डिफरेंट अटोमिक मास ठीक है आइसोटोप्स का अटोमिक मास ही अलग होता है तो अगर मैं एच वन वन एच वन टू एच विख रही हूं अरेज दीज इंक्रीजिंग अटोमिक मास यार अटोमिक मास वन वन से एच वन टू पे जा रही हूँ तो बढ़ रहा है एच वन थ्री पे जा रही हूँ तो बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन के ही तीनों आइसोटोप के लिए मुझे तीन अलग अलग जगह चाहिए होगी क्योंकि तीनों का अटोमिक मास अलग अलग है और उसपे कोई जस्टिफिकेशन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं थी उन्होंने हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक जगह दी थी जबकि उनके तीनों आइसोट के लिए अलग अलग जगह की आवश्यकता थी ठीक है तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर सेकेंड ड्रॉबैक उसके बाद आ जाते हैं बेटा एट सम प्लेसेस एट समलिमेंट्स विथ एलिमेंट्स विथ लोअर ऑटोमिक मास टमिक मास वॉज प्लेस्ड आफ्टर प्लेस्ड आफ्टर एलिमेंट विथ हायर अटोमिक मास करेक्ट जिसका अटोमिक मास ज्यादा है उसके बाद कम वाला रखा गया है तो ये तो वो खुद ही के लॉ को चैलेंज कर रहे उन्होंने बोला ही कि मेरे लॉ का बेस ही यही है कि मैंने इंक्रीजिंग अटोमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया है पर कई जगह पे केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए बेटा उन्होंने लोअर अटोमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रख दिया है ऐसे केसेस देखना चाहोगे आ जाओ पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको गलती दिख जाएगी तो मैं आपको यहां पर गलती दिखा देती हूं बच्चों जहां पर उन्होंने खुद के ही लॉ को चैलेंज कर दिया वो वो लोकेशन कहाँ है तो ये देखिए 127.60 और यहाँ पर है 126.90 जिसका एटॉमिक वेट कम है आयोडीन का एटॉमिक वेट कम है वो बाद में प्लेस्ड है सिमिलरली अगर आप ये फेकोनी में भी देखोगे तो एटॉमिक एलि एटॉमिक वेट निकल का 58.7 है और कोबल्ट का फिफ्टी है तो जिसका ज्यादा है वो पहले जिसका कम है वो बाद में है ये तो मेजर ड्रॉबैक हो गया खुद के ही लॉ को उन्होंने चैलेंज कर दिया कई जगह पे ठीक है तो ये एक मेजर उनका ड्रॉबैक था ठीक है कई जगह पे क्या है एलिमेंट्स विथ एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज were placed far and dissimilar were placed in same group were placed in same group यानी कई जगह पे क्या हो रहा था कि कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो सेम ग्रुप में ना होकर दूसरे ग्रुप में थे और जहां पर दो एलिमेंट साथ में रखे गए थे उसमें से कई एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप से मैच ही नहीं करती है तो इस तरीके से इनके मेजर मेजर ये चार ड्रॉबैक है जो आ, उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे समझ रहे हो बच्चों तो इतने सारे नाटक के बाद हमें एक और साइंटिस्ट मिले और उनका नाम था बच्चों हेनरी क्या नाम था हेनरी मॉसले मोसले ने पूरा पीरियडिक टेबल अच्छे से ऑब्जर्व किया और वो ना बहुत ही एक मेजर चेंज लेकर आए उन्होंने ये कहा कि आप बोल रहे हो अटोमिक मास के बेसिस पर आप चीजों को अरेंज कर रहे हो बट कायदे से हम, हमें अटोमिक मास नहीं अटोमिक नंबर की जरूरत है ये उन्होंने किस तरीके से बोला चलिए आइए समझते हैं माई डियर स्टूडेंट्स ठीक है तो इन्होंने क्या कहा बच्चों इन्होंने ये कहा कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं तो वो कुछ रेडिएशंस जनरेट करता है और ये रेडिएशंस कौन सी थी बच्चों एक्स रेज थी इस एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया अगेंस्ट देयर अटोमिक नंबर ठीक है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया अटोमिक नंबर के बेसिस पे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी वेयर जेड स्टैंड फॉर अटोमिक नंबर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज ठीक है तो ये हेनरी मॉसले ने ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद उन्होंने एक सुंदर सा ग्राफ प्लॉट किया दैट इज जेड वर्सेस थिंक इट्स नॉट विजिबल जस्ट उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बच्चों इस तरीके से दैट वॉज जेड वर्सेज रूट वी या रूट म्यू लिख लो फ्रीक्वेंसी और उन्हें इस तरीके से ग्राफ मिला और वहां से उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया क्या दिया बच्चों एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देर अटोमिक नंबर अटोमिक नंबर के बेसिस पर अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया जाए तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट होंगी अटोमिक नंबर शुड बी द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट ना कि अटोमिक मास एंड उस पर बेस्ड था ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट दिया मोसले ने और इसे पूरा अरेंज करने का काम किया था भोर बेरी ने एंड रैंग आ, रैंग था वर्नर था भोर बेरी रैंग वर्नर ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मस्त तरीके से अरेंज किया जो हम आज देख पाते हैं तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको देती हूँ आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का और इसे किस तरीके से मेंडली पीरियोडिक टेबल के साथ लिंक किया जाता है बच्चों वो हम फटाफट से देख लेते हैं ध्यान दीजिएगा यहां पर ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आपका फर्स्ट ए ग्रुप है और उससे थोड़े से नीचे डिस्टेंस से जस्ट अ सेकेंड ठीक है इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप है फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप है और ये क्या है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो जो मेंटली पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप था ए एंड बी तो ये वही सब ग्रुप है और वो एस ब्लॉक को बिलोंग करता है ठीक है उसके बाद आपके पास सेंटर में इस तरीके से पूरा रीजन है ठीक है सेंटर में इस तरीके से एक पूरा रीजन है और फिर आपको इसके इक्वी डिस्टेंस पे बनाते हैं इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ठीक है इस तरीके से अरेंजमेंट है यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छ इस तरीके से ठीक है तो ये मॉडर्न टेबल का बहुत ही बेसिक सा सटीक सा अरेंजमेंट मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया है ठीक है बच्चों अब काफी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको यहाँ पर विजुअलाइज करानी है इसीलिए ये बनाया हुआ है तो फर्स्ट ए सेकेंड ए हो गया फिर ये वाला आपका थर्ड ए होता है ये आपका फोर्थ ए होता है ये आपका फिफ्थ ए होता है इस तरीके से हर एक ग्रुप का कैसे मेंटली पीरियोडिक से कनेक्शन है वो पता होना चाहिए कई बार जब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं तो वो ग्रुप नंबर डायरेक्टली ना देके थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ दे देते हैं या ऑप्शन में दे देते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ठीक है फिफ्थ ए फिर आपका सिक्स ए आ जाएगा फिर सेवेंथ आ जाएगा और ये हो गया आपका जीरो ग्रुप वैसे ही अगर मैं यहां सेंटर पे प्लांट करूं तो एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ नौ एंड दस टोटल इस तरीके से दस ग्रुप्स हैं और उनके नाम भी है बच्चों तो यहाँ पर लिख देती हूं मैं फर्स्ट एंड सेकेंड है यहाँ से थर्ड बी शुरू होता है ध्यान रखिएगा दिस इज योर थर्ड बी दिस इज योर फोर्थ बी देन योर फिफ्थ बी ठीक है थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी देन यू हैव सिक्स्थ बी सिक्स्थ बी के बाद माय डियर स्टूडेंट जो सेवेंथ बी है आपका वो एज इट इज है तो ये हो गया आपका सेवेंथ बी उसके बाद ये तीनों हो जाएंगे आपके एट्थ बी और फिर ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी होता है ठीक है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है अब इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये ग्रुप वन ये ग्रुप टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन इलेवे एंड देन 13 14 फिफ्टीन सिक्सटीन 17 एंड एटीन इस तरीके से पूरा मॉडर्न पेरियो टेबल मेंडली पेरियोडिक टेबल के ग्रुप्स एंड सब ग्रुप में किस तरीके से डिवाइडेड है वो आप याद रखिए ग्रुप एट टू टेन ये एट्थ बी ग्रुप में आते हैं इलेवेंथ ग्रुप फर्स्ट भी है और ट्वेल्थ ग्रुप सेकेंड भी है फर्स्ट भी सेकेंड भी एंड थर्ड भी फिर से यहाँ से शुरू होता है और ए वाला सारा एस एंड पी ब्लॉक का है जो फर्स्ट ए से लेके एट ए तक जाता है और फिर लास्ट वाला जीरो ग्रुप है जो कि एटीनथ ग्रुप है जिसे बाद में डिस्कवर किया गया था और मेंडली पीरियोडिक टेबल में भी इसी तरीके से ऐसे ही शांति से एंटर कर दिया गया था अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमने बात कर ली बच्चों ग्रुप्स की ग्रुप्स ऑल टुगेदर कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप ऑल टुगेदर 18 है और पीरियड कितने हैं बच्चों सेवन पीरियड्स हैं ग्रुप 18 एंड सेवन पीरियड्स तो 18 ग्रुप तो हम देख देख चुके हैं पर सात पीरियड कैसे हैं तो ये पहला वाला देख लिया आपने ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला फिर यहां से तीसरा Then, चौथा देन पांचवा देन छठा एंड देन सातवा इस तरीके से सात पीरियड है आपके पास तो सात पीरियड को हम किस तरीके से लिखते हैं ये देख लीजिए यहां पर क्योंकि ये आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जज करने में काम आएगा तो जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है बच्चों जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है इसे हम क्या कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड सेकेंड पीरियड फर्स्ट वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर मैक्सिमम टू एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम जो आपका सेकेंड पीरियड होता है बच्चों उसको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड जिसके अंदर आठ एलिमेंट होते हैं सिमिलरली थर्ड पीरियड के अंदर भी आपको शॉर्ट कहा जाता है इसके अंदर भी आठ एलिमेंट होते हैं फिर फोर्थ पीरियड के अंदर आ जाओ इसे हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं जिसमें 18 एलिमेंट होते हैं फिफ्थ पीरियड के अंदर भी लॉन्ग कहा जाता है 18 एलिमेंट होते हैं सिक्स पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड के अंदर कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड एंड दे कंसिस्ट ऑफ थर्टी टू एंड थर्टी टू एलिमेंट्स तो ऑल टूगेदर आपकी अरेंजमेंट किस तरीके से है बच्चों टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू थर्टी टू ये इस तरीके से सात ग्रुप के सात पीरियड के अंदर एक सेकेंड ये दिख नहीं रहा है टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू थर्टी टू इस तरीके से सात पीरियड के अंदर एक सौ अट्ठारह एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है और ये मैंने आपको क्यों लिख के दिया उसके पीछे का भी कारण है क्योंकि ये अगर आपको पता है ना कि कितने एलिमेंट्स हैं तो आप इजीली इनका अटोमिक नंबर याद रख पाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर ठीक है और एक खास बात बताती हूँ ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है हा डायगोनल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है बच्चों तो ये देखिए अगर मैं मॉडर्न पेरिओडिक टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो डायगोनल रिलेशनशिप हुआ लीथियम एंड मैग्नीशियम का इस तरीके से बेरेलियम एंड एल्यूमिनियम का बोरोन एंड सिलिकॉन का इस तरीके से डायग्नल रिलेशनशिप यानी इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है डायग्नली अगर आप जाते हो ठीक है तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ बेरेलियम का एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर है बोरोन का सिलिकॉन के साथ एंड कार्बन का आपको फॉस्फोरस के साथ सिमिलर दिखेगा नाइट्रोजन सल्फर के साथ ऑक्सीजन क्लोरिन के साथ हल्का फुल्का मैच करता है ठीक है तो ये डायग्नल रिलेशनशिप दिखाते हैं बच्चों उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बच्चों इसके बाद आगे चल के हमें मिलता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतनी आसानी से नहीं बना है बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद बना है बच्चों इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा डिटेल में जरूरी है और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है देखो एज अ स्टूडेंट आप कहा अटकते हो आप वहां अटकते हो कि यार आपको सारे अटोमिक नंबर याद नहीं रहते अगर अटोमिक नंबर याद नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख पाओगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रडिक्ट नहीं कर पाओगे तो सारा मुद्दा ही सारा खेल ही है कि इस पीरियोडिक टेबल में अटोमिक नंबर को कैसे याद रखना है वो ट्रिक मैं आपको अभी के अभी देने जा रही हूं और उसके बाद हम सेशन को वाइंडअप करेंगे बाकी सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में बट बिफोर दैट आई वुड लव टू टीच यू समथिंग तो बच्चों हमने अभी सीखा अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा कि पहले ग्रुप के अंदर मैक्सिमम दो एलिमेंट्स होते हैं तो अगर मुझे हाइड्रोजन से लिथियम पे मूव करना और मुझे लिथियम का अटोमिक नंबर नहीं पता है तो मैं क्या करूँगी हाइड्रोजन के अटोमिक नंबर में सिर्फ क्या एड करूंगी प्लस टू तो प्लस टू मिलेगा तो थ्री हो जाएगा ठीक है तो हमने यहां पर देखा कि फर्स्ट पीरियड के अंदर दो ही एलिमेंट होते हैं ठीक है उसके बाद सेकेंड पीरियड के अंदर आठ और थर्ड पीरियड के अंदर आठ एलिमेंट है तो अगर लिथियम से सोडियम पे जाना और मुझे अटोमिक नंबर नहीं पता है तो मैं थ्री के अंदर क्या एड करूंगी बेटा एट एट प्लस थ्री कितना हो गया इलेवन इलेवन में फिर से एट ऐड करूंगी तो क्या मिल जाएगा यानी का नंबर रुबीडियम के अंदर अब क्या करोगे 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 ना क्योंकि होता है तो 18 तो 37 आएगा रुबीडियम. रुबीडियम के अंदर भी अट्ठारह ऐड करोगे क्या आ जाएगा एट प्लस सेवन फिफ्टीन फाइव कैरी वन थ्री फोर फाइव यानी कि सीशियम और फिर आप बत्तीस बत्तीस वाला गेम खेल लोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक कर लो, आपके पास ये रहा स्कैंडियम, ठीक है? अब स्कैंडियम से जब आप यूट्रियम पे जाओगे, तो आपको डेफिनेटली बात है यूट्रियम का आटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? 21 में 18 ऐड कर दोगे थर्टी नाइन यम का अटोमिक नंबर पता चल गया और अटोमिक नंबर पता चल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ईजीली प्रोडिक्ट कर सकते हो तो हमेशा याद रखो कुछ पॉइंट आपको डेफिनेटली याद रखने हैं जैसे हाइड्रोजन का अटोमिक तो पूरा नीचे का आप याद रख सकते हो स्कैंडियम का एक अटोमिक नंबर याद है और सीक्वेंस याद है आपको पीरियोडिक टेबल याद कैसे रखना है तो आप आराम से किसी भी नेक्स्ट एलिमेंट का प्रोडिक्ट कर सकते हो अटोमिक नंबर अगर यहाँ पे जिंक का मुझे थर्टी याद है मुझे कैडमियम का याद नहीं है तो थर्टी में सा साधारण सा अठारह ऐड कर दूंगी मुझे कैडमियम का फोर्टी एट मिल जाएगा वैसे ही अगर मेरे पास एच जी है ठीक है बच्चों एच जी है यहाँ से तो मुझे पता है यहाँ पर मुझे थर्टी टू एड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिफ्टी सेवन है और सेवनटी टू फिफ्टी सेवन के बाद फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन वो नीचे सीरीज में आएगा तो बेसिकली मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक और छोटी सी हिंट दे दिया और इस हिंट से आपको यह अंदाजा लग जाना चाहिए कि मैम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताने वाली है सेशंस के दौरान जो आपके स्टडी को आसान कर देगा जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देगा और आपको और ज़्यादा स्पीड अप करने में हेल्प करेगा चीज़ों को तो इसी तरीके के और भी सेशंस के लिए बच्चों प्रचंड सीरीज में बने रहिएगा अगले सेशन में हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को अच्छे से ऑपरेट करेंगे और हर एक एलिमेंट को कैसे याद रखना उसकी ट्रिक भी सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है 3D, 4D, 5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी सीखनी है उनका टॉमिक नंबर कैसे याद रखना है उनका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर कैसे याद रखना है ये सारी इंफॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं अगले सेशन में तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट के साथ केमिस्ट्री पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स मेक श्योर टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक्स एंड मिलते हैं अगली क्लास में विद से सेम एनर्जी सेम जोश तब तक के लिए नमस्कार ब बाय टेक केयर बाय बच्चो